नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवर्स डिजिटल पे का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े फैसले को लेकर, जो कि है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो आगामी समय के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा आदेश जारी हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में, साथ ही अगर बात करें बीएड को लेकर, सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर अवश्य किया करें, जिससे कि और भी अभ्यर्थी तक सूचना मिल पाए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को नहीं दी जाएगी सरकारी नौकरी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं, बहुत सारी कहीं ना कहीं ऐसे प्रदर्शन हैं जो कि लगातार किए तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मकसद होता है वो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना होता है। क्या इस प्रकार के प्रदर्शन भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय तक भर्तियां लटकी भी रहती हैं। ऐसे में सरकार की हीलावाली या फिर अधिकारियों की गलतियों की वजह से भी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं, तो क्या वो भी इसके अंदर आने वाले हैं? मैं आप सभी को जो आदेश है वो दिखाने वाला हूं, जिसके माध्यम से जानकारी निकली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। यहाँ पे आप सभी को एक जानकारी देखने के लिए मिल रही होगी हमारे वीडियो के माध्यम से ही, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया था, जो कि 2 महीने पुरानी न्यूज़ है, मैंने ही आप सभी को दी थी। ये एस्मा क्या होता है ये आप सभी को मैंने बताया भी था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हड़ताल नहीं कर सकते जब तक ये एक्ट लागू होता है प्रदेश के अंदर, जिसको हम कहते हैं एस्मा। ऐसे में कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है सबसे गर्म मुद्दा है पुरानी पेंशन का, उसको लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिलते हैं। यह मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे यह सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर लागू होता है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पे एक और आदेश जारी हुआ है, जिसके माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति में विरोध प्रदर्शन, सड़क पर जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और इसे कार्य के लिए पुलिस द्वारा उसे आरोपित पत्रित किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से जो प्रविष्ट है वो किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी या फिर सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो मामला देखने के लिए मिला है वो बिहार के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल नहीं है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा का मामला भी गुजरात से देखने के लिए मिला, अब उत्तर प्रदेश में आता हुआ दिखाई दिया, जिसको लेकर विरोध जारी है। 30 वर्ष की आयु का मामला भी देखने के लिए मिला, 50 वर्ष जो आयु में रिटायरमेंट का मामला था वो सबसे पहले उत्तराखंड में देखा गया था, उसके बाद आप सभी ने यूपी के अंदर भी देखा। तो एज इट इज़ यहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से भी कुछ ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बिहार नीतीश सरकार का नया फरमान देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि अगर विरोध प्रदर्शन, सड़क पर जाम इत्यादि मामले में संलिप्त होकर कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है या फिर शामिल होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस कार्य के लिए उनको कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा आरोपी माना जाता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ यहाँ पर आगामी समय के अंदर कार्यवाही देखने के मिलेगी और सरकारी नौकरी या फिर सरकारी ठेकों से वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल वही आता जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में पूछा, क्या कोई अधिकारी के माध्यम से या फिर अभ्यर्थी के माध्यम से, हम बात करें अधिकारी का तो कोई मैटर ही नहीं है, अभ्यर्थियों के माध्यम से किसी संस्था के खिलाफ अपनी चीज़ें रखना, अपनी मांगों को रखना, जैसे कि कई बार देखने के लिए मिलता है संविदा जैसे मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं, अपनी मांगों के लिए कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने के लिए मिलते हैं, भर्तियाँ लंबे समय तक नहीं आती हैं, आ जाती हैं तो लटकी रहती हैं, उनके लिए अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं, तो ऐसे में क्या इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी? कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन विधि और व्यवस्था की जानकारी आप सभी के सामने है कि अगर इस पर प्रदर्शन होता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, ये जो आदेश जारी किया गया बिहार सरकार के माध्यम से जारी किया गया, अभी तक इस प्रकार का आदेश उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन अगर निकट भविष्य में कुछ होता है तो आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाता है कि अगर इस प्रकार का कोई कार्य होता है तो उसके बाद सरकारी नौकरी पर रोक लगाने को लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश है वो दिया गया है। इस आदेश को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर
सरकारी नौकरी का जो इस्तेमाल है वो किया गया, सरकारी ठेके का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आप सभी को बताया कि बहुत सारे विद्यार्थी सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं और धरने प्रदर्शन भी उनकी तरफ से ही दिए जाते हैं। अगर कोई और मामला होता तो शायद यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल सकता था। तो ऐसे में अभ्यर्थियों से संबंधित भी है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, ये आदेश बिहार सरकार की तरफ से देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती के साथ क्लर्क और सुपरवाइजर की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, कार्यवाही शुरू हो चुकी है, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा आधिकारिक बयान के, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहां पर जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 53,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बात करें सहायिकाओं के पदों में भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उनका कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती मिलेगी और बहुत सारी परीक्षाएं यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिली। हाल ही में सीटेट भी वायल हो गया था, उसी क्रम में योगी सरकार के माध्यम से जानकारी आप सभी के सामने आती है कि 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर मोहर लग चुकी है, जिसको लेकर युवाओं के चेहरे पर नई चमक ला दी है। बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग ने चयन प्रक्रिया तय होने के आदेश भी जारी कर दिया है। अब जिला अधिकारी की देखरेख के अंदर जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जिले में तैनात समूह संबंध महिला अफसरों के माध्यम से पहली बार चयन समिति के अंदर सदस्य बनने के लिए चुना गया है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी के साथ साथ सुपरवाइजर क्लर्क की भर्ती भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जो कि लगभग 3300 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो चुका है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि 53,000 अलग से है, ऐसे में 3300 पदों पर दूसरी भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि क्लर्क और सुपरवाइजर की होगी, जो कि UP SSC के माध्यम से करवाई जाएगी। तो ऐसे में 15 साल से अटकी हुई थी भर्ती, उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इसकी कार्यवाही को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अलीगढ़ के अंदर जानकारी दी गई कि लगभग 520 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। टोटल जिले के अंदर पदों की संख्या आपके सामने पहले बता दी गई है, लगभग 53,000 के समथिंग है। ऐसे में अगर बात करें DPO के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सहायिकाओं की मिनी सहायिकाओं के पद पर भर्ती का जो आदेश है वो जारी हो गया है। जिले में इस पर जो कार्यवाही वो शुरू कर दी गई है, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, आवेदक की ऑनलाइन आवेदक जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी आप सभी को यहां पर भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि DPO के माध्यम से दी गई सुरेश कुमार। तो ऐसे में उनका कहना है कि यहां पर जो कार्य वो शुरू कर दिया गया है। उसी क्रम में अगर बात की जाए योग्यता को लेकर, तो इसके अंदर 10वीं पास मांगे गए, जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बता भी दिया था शासन आदेश के माध्यम से। साथ ही आपकी जो मेरिट बनने वाली है उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी कि इस बार आप सभी का जो 10% है वो लिया जाएगा 10th और 12th का। इसके साथ आपकी जो BA BSc होने वाली है ना, तो उसके अंदर भी 10% आप सभी का ले लिया जाएगा। उसी के अनुसार आपकी जो मेरिट है वो देखने के लिए मिलेगी और उसी के आधार पर आपका जो चयन है वो करवाया जाएगा। उसी क्रम में यहाँ पर लिखा है कि 5 अंक मिलेंगे, उसके ऊपर पॉइंट से गिनती होगी। BA तक के अंक पत्र के आधार पर जो मेरिट बनने वाली है, जिसके बाद में आपका जो चयन है वो किया जाएगा। तो ऐसे में इसके लिए जो अर्हता है वो आप सभी को बता दी गई है, 10th मांगी गई है। इसके अलावा जो मेरिट बनने वाली वो इस प्रकार आप सभी की बनेगी, इसके अंदर आयु सीमा आप सभी की 21 वर्ष के समथिंग होनी चाहिए, अधिकतम आयु 45 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में सेवानिवृत्त कब से होंगे, 62 की आयु में आपकी जो सारी चीज़ें वो समाप्त कर दी जाएंगी, और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। जनपदीय चयन समिति के माध्यम से जो आवेदन है वो आप सभी के लिए जाएंगे, आरक्षण भी आप सभी को मिलने वाला है। तो ऐसे में 53,000 पदों के साथ ही क्लर्क और सुपरवाइजर की लगभग 3300 पदों पर जो भर्ती की कार्यवाही वो शुरू कर दी गई है। जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को ऑनलाइन डफर्स्ट रीचैन के माध्यम से मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें BEd प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। 18 फरवरी से जो BEd के आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, उसी क्रम में यहाँ पर जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। BEd प्रवेश परीक्षा के लिए जैसा कि आप सभी को बताया कि अमिताभ वाजपेयी के अनुसार जो आपके आवेदन 18 तारीख से लिए जाएंगे 15 मार्च तक, उसी क्रम में वहीं जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी 19 मई को प्रस्तावित है। LVB ने अपनी वेबसाइट पर फीस की अर्हता संबंधी सूचना भी अपलोड कर दी है। स्नातक स्तर पर 50% आप सभी के होने चाहिए, साथ में इंजीनियरिंग डिग्री में 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के लिए लगभग बात करें तो 1500 रुपये, साथ में अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी 750 रुपये तय किया गया है। लेट फीस के तौर पर 2500 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे, 1200 रुपये होगा हर साल BEd की। करीब अगर बात करें 12,000 कॉलेज के लिए करीब 3 लाख सीट पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला दिया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को आगामी समय के अंदर जल्दी
सारी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं, लेकिन इसमें जो बदलाव है वो इस बार कोई भी नहीं किया गया है, जो पहले था वही आप सभी को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।